गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कम्बशन इन CI इंजन। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द कम्बशन फेनोमेना इन स्पार्क इग्निशन इंजन। कम्बशन इन CI इंजन इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द कम्बशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन। सो इन दिस लेक्चर वी विल कवर कम्बशन प्रोसेस इन CI इंजन एंड कम्बशन स्टेजेस इन CI इंजन। सो देर वुड बी टू टॉपिक फॉर द डिस्कशन इन दिस लेक्चर। सो लेट्स हैव लुक ऑन द कम्बशन प्रोसेस इन CI इंजन। सो इन पहले एक एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें होती हैं। पहली चीज़, जैसा कि इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे केवल एयर को कंप्रेस किया जाएगा और वो जो कंप्रेशन रेशियो होगा वो 16:1 to 20:1 तक, यानी वेरी हाई कंप्रेशन रेशियो विल बी मेंटेन्ड एज़ कंपेयर टू स्पार्क इग्निशन, जहाँ पे करीब 10-12 तक आप मेंटेन करते थे। यहाँ पे 16 से स्टार्ट करोगे आप, 16 से लेके 20 तक आप मेंटेन कर सकते हो, यानी 16:1 to 20:1 कंप्रेशन रेशियो। और इसमें सिर्फ एयर को कंप्रेस किया जाएगा, ध्यान रखना है, फ्यूल नहीं किया जाएगा अंदर, पहले एयर आएगा और एयर को ही कंप्रेस करेंगे। सेकंड पॉइंट इसमें है कि फ्यूल को हम सेपरेटली इंजेक्ट कराएंगे या सेपरेटली सप्लाई करेंगे थ्रू इंजेक्टर। अब इंजेक्टर क्या करे, इंजेक्टर भी एक वेरी हाई प्रेशर सिस्टम के थ्रू क्या कि फ्यूल को अंदर जो है इंजेक्ट करा पाएगा, क्योंकि क्या होता है कि ऑलरेडी इतना हाई प्रेशर पर होता अंदर कि अगर आप उससे ज़्यादा प्रेशर पर फ्यूल को सप्लाई नहीं करोगे तो उसमें फ्यूल इंजेक्ट ही नहीं होगा। थर्ड पॉइंट जो आपको बता रहा है वो है कि फ्यूल जो है हेट्रोजीनियस होगा, मिक्सचर जो फ्यूल एयर मिक्सचर होगा वो हेट्रोजीनियस होगा। आपने स्पार्क इग्निशन इंजन में देखा होगा वहाँ तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मींस कि आपके फ्यूल थ्रू आउट द कम्बशन चैम्बर वुड बी सेम, बट इन दिस केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंजेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द इंजन सिलेंडर, दैट इज़ वाई इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फ्यूल एयर मिक्सचर। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि CI इंजन में जो फ्यूल एयर का मिक्सचर होगा वो हेट्रोजीनियस होगा। एयर स्विल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, कम्बशन इंजन जब CI इंजन में कम्बशन होता है तो एयर स्विल जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एयर स्विल को अगर आपको समझना है तो आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये इंजेक्टर को दिखा रहा है, इंजेक्टर को दिखा रहा है, आप मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ये इंजेक्टर को दिखा रहा है। इस इंजेक्टर से जब फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है तो ये उसके फ्यूल की लाइन है जो इंजेक्ट हो रही है। जब इंजेक्ट होगा तो फ्यूल क्या होगा, फ्यूल एटमाइज होगा। पहला प्रोसेस है एटमाइजेशन, एटमाइजेशन में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है और एक वे के थ्रू इस तरीके से फैलता है इन सिलेंडर के अंदर में। अब होगा क्योंकि जब ये ड्रॉप्स के फॉर्म में इस तरह आ जाएगा तो अपने आसपास क्या है, उसके आसपास एक कंप्रेस्ड एयर है जो कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे है, तो ये ड्रॉपलेट्स हैं जो फ्यूल के ड्रॉपलेट्स हैं ये उस एयर से लैटेंट हीट लेंगे और वेपराइज हो जाएंगे। इस तरह एक वेपर का कवर बन जाएगा इसके चारों तरफ, यानी वेपराइज्ड हो जाएगा। तो ये वेपराइजेशन हुआ, यानी दो प्रोसेस हुए, जब फ्यूल अंदर आया तो एटमाइजेशन हुआ और फिर लैटेंट हीट लेके वो क्या करेगा, वेपराइज हो जाएगा। तो उससे होता क्या है कि आसपास थोड़ा टेम्परेचर जो है आपका प्रेशर जो है प्रेशर टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और फिर वो बाकी जब बल्क एयर से ले लेगा तो फिर से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मींस अपना प्रेशर टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। अब होता क्या है कि जब इतनी चीज़ें हो गई फिर क्या होगा, अब ये टेम्परेचर जिसका आसपास के कंप्रेशन की वजह से बढ़ भी रहा है तो यहाँ क्या हो सकता है, इस एरिया में आपका कम्बशन भी तो हो सकता है, कम्बशन भी शुरू हो सकता है। मान लो ये फ्लेम कम्बशन शुरू हो गया, अब कम्बशन अगर शुरू हो गया तो यहाँ पे इसके इस जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है उसके चारों तरफ जो है बर्न्ड गैसेस हो सकती हैं। ये बर्न्ड गैसेस क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कवर बना सकती हैं और आने वाले फ्यूल को डाइल्यूट कर सकती हैं। आने वाले जो फ्यूल होगा उसको तो फ्रेश एयर चाहिए, तो उसके लिए आपको इसे यहाँ से हटाना होगा। तो अगर इंजन के अंदर स्विल होगा, स्विल एक तरीके से हवा का झोंका समझ सकते हो जो कि एक डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड वे और एयर मूवमेंट्स होती हैं, वो क्या करेगी, सपोज़ करो इस तरीके से एयर स्विल आ रही है, ये एयर स्विल क्या करेगी, इस जगह से ये जो ऑलरेडी जो कम्बशन हो चुका है उस पूरे फ्यूल एयर पार्टिकल्स को यहाँ से ब्लो करा देगी दूसरे जगहों पर, तो यहाँ पे फिर से फ्रेश एयर आ जाएगी, यानी इंजेक्टर के सामने जो है फ्रेश एयर आ जाएगी और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, फिर से आपका एयर का मूवमेंट एक तरीके से उसको कम्बशन के लिए
फ्रेश एयर मिल जाएगा फ्यूल को। तो ये एक बे है, तरीका है समझने के लिए इसे। तो इसमें दो फिगर्स दिखाए गए, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। इस फिगर में आप देखो, अगर नो एयर स्वेल है, अगर इंजन के अंदर स्वेलिंग नहीं है, यानी एयर का मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है, एयर हर जगह पे एक जगह कांस्टेंट है, तो इंजेक्टर आएगा, इंजेक्ट कराएगा, आसपास के एयर्स को लेगा और उसे उन्हें ही केवल बर्न करेगा आसपास। फिर उसको यहाँ से हटने में थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, उतना एफिशिएंटली ये बर्न नहीं कर पाएगा। तो लेकिन अगर ये एयर स्वेल के साथ है तो इधर से एयर आ रही है और उसे ब्लो ऑफ कर देगी, जो ऑलरेडी यहाँ से जो 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 कम्बस्ट हो चुके होंगे, वेपराइज हो चुके होंगे फ्यूल्स को वहाँ से स्वेप्ट ऑफ कर देगी। तो ये इसका काम होता है स्वेलिंग का। तो ये आप समझ सकते हो। इन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कोई डेफिनेट नो डेफिनेट फ्लेम फ्रंट इन CI इंजन कम्बस्टन। As we have already seen in a spark ignition engine, a well-developed flame front propagate toward the end of the stroke. लेकिन इसके इस केस में आप देखोगे इसमें कोई ऐसा विशेष, इसमें कोई फ्लेम फ्रंट नहीं बनता है, कुछ भी कहीं पे भी कंप्रेशन हो सकता है, कहीं पे भी शुरू हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें कोई लोकलाइज कोई यूनिफॉर्म फ्लेम फ्रंट का बर्निंग नहीं होती या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लोकलाइज्ड इनिशिएशन या इग्निशन हो सकता है, कहीं से भी फ्लेम स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए ये चीज़ आपको पॉइंट में ध्यान में रखने वाली बात है। ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ये वाली इस वाले पॉइंट में क्या लिखा, इन CI इंजन एयर सप्लाई इज अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ लो। अब स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता था, एयर फ्यूल पहले से ही मिक्स करके भेजते थे, यहाँ पे क्या होता है एयर ही केवल आ रहा है, तो लोड कितना भी घटे बढ़े इसमें एयर की सप्लाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो बदलता क्या है, केवल फ्यूल का सप्लाई बदलती है यहाँ पे। तो फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी एज़ पर दी लोड रिक्वायरमेंट, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर आप जो डिज़ाइनर होते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन के, जो डिज़ाइनर होते हैं उनका मेन एम होता है कि जो इंजन का डिज़ाइन हो वो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो पर के आसपास रखा जाए, यानी एयर फ्यूल का जो रेशियो हो वो हमेशा क्लोज हो स्टोकियोमेट्रिक के ड्यूरिंग फुल लोड पे। जब भी इंजन फुल लोड पे चले तो स्टोकियोमेट्रिक के नज़दीक हो, क्योंकि इसी पॉइंट पे ही उसे मीन इफेक्टिव प्रेशर, मैक्सिमम मीन इफेक्टिव प्रेशर और उसको मैक्सिमम पावर मिल सकती है। तो ये चीज़ ध्यान लेने वाली, यानी मीन्स मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सकती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि इंजन साइज जो है वो हैवी हो जाता है, अगर आप जो है सेम आउटपुट के लिए, अगर आप उसे स्टोकियोमेट्रिक पे ऑपरेट करना चाह रहे हो, अगर स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट पे या स्टोकियोमेट्रिक रेशियो पे इंजन को ऑपरेट किया जा रहा है तो इंजन के साइज़ जो है वो बड़ी हो सकती है। ये भी एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू कैन अंडरस्टैंड। ऑपरेट ऑलवेज विथ एक्सेस एयर, हमेशा। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो CI इंजन होता है वो हमेशा जो है एक्सेस एयर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये करीब करीब आपको मान के चलिए 15 से लेकर 40% तक एक्सेस एयर इसमें प्रोवाइड की जाती है। होता क्या है कि जैसे सपोज करिए आपका आपको इंजेक्टर है, ये एक सिलेंडर है और यहाँ पे इंजेक्टर था, इंजेक्टर से आपको जो है फ्यूल का कर रहे हो, तो ज़रूरी है इसके आसपास के फ्यूल्स को पहले शुरुआत में तो एयर मिल जाती है, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रॉपर तरीके से हर जगह पे एयर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो कहीं पे बर्निंग जो रिच फ्यूल्स होंगी, सपोज़ करो कि इसके बाद जो इंजेक्शन शुरू हुआ उस फ्यूल को, उस फ्यूल ड्रॉपलेट्स को प्रॉपर एयर नहीं मिल पाई। अगर आपने स्टोकियोमेट्रिक पे करा है तो हो सकता है पूरे एयर ना मिल पाए, तो अनबर्निंग हो सकती है, कंप्लीट कम्बशन नहीं हो सकती। तो इस केस में अगर एक्सेस एयर होगा तो आपके कंप्लीट कम्बशन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा जो इसकी डिज़ाइनिंग हो जाती है या ऑपरेट किया जाता है वो एक्सेस एयर पे चलाया जाता है। तो ये कुछ खास पॉइंट्स थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे दैट नीड्स टू बी नोन बिफोर गोइंग टू दी नेक्स्ट स्टेप। सो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने वाली बात है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है इसके स्टेजेस क्या होते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में स्टेजेस क्या हैं, जब भी इग्निशन स्टार्ट होता है, तो उसको समझने के लिए
टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अगेन पी थीटा डायग्राम विल बी यूज्ड. व्हाट इज पी थीटा डायग्राम? पी थीटा डायग्राम मीन्स थीटा इज एंगल, क्रैंक एंगल रोटेशन, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, और टाइम को डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन के रिस्पेक्ट में. और ये नीचे वाले हिस्से यानी यहाँ पे जो होगा ये बी डी सी है, और यहाँ से जब आगे बढ़ रहा है तो यहाँ टी डी सी पे आ रहे हो आप, और फिर आप बी डी सी पे जा रहे हो. तो यानी जो आप ये वाली लाइन जो देख रहे हो इस पे क्या हो रहा है, यहाँ से बी डी सी है, इस वाले पॉइंट पे बी डी सी, यहाँ से फिर आप इधर जाओगे तो टी डी सी, फिर इसके इस साइड में जाओगे तो बी डी सी. तो यानी टी डी सी जो है वो आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट टी डी सी है, ध्यान रखना है हमें ये चीज़. अगर आपको समझ में आ रही है, यानी टी डी सी जो हमारा है ये वाली लाइन टी डी सी है, और ये जो है ये क्रैंक एंगल को रिप्रेजेंट करता है. यानी आपका जब क्रैंक जीरो एंगल पे होगा तो इसका मतलब पिस्टन जो है टीडीसी पे पहुंच चुका होगा, और ये वाली जो लाइन है प्रेशर राइज को दिखा रही है कि प्रेशर कैसे बढ़ेगा इस तरह के क्रैंक के मूवमेंट, यानी पिस्टन के मूवमेंट पे प्रेशर कैसे बढ़ेगा वो दिखाया गया है. तो स्टेजेस को जैसे हमने पहले देखा था वहाँ पे भी स्पार्क इग्निशन इंजन में स्टेजेस को डिवाइड किया गया था तीन स्टेज में, यहाँ पे चार स्टेज में डिवाइड किया, यानी फोर स्टेज में पूरे इस कंप्रेशन इग्निशन को कंबशन को कन्वर्ट किया गया है, चार स्टेज में डिफाइन किया गया है. चारों स्टेज कौन कौन से स्टेज हैं इनको आप यहाँ पे देख सकते हो. पहला स्टेज है इग्निशन डिले स्टेज, दूसरा है पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन, तीसरा है कंट्रोल्ड कंबशन, और चौथा है आफ्टर बर्निंग. इग्निशन डिले पीरियड जो है उसमें फिजिकल डिले और केमिकल डिले दो पॉइंट के दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड है जिसे हमें अच्छे तरीके से समझना है. तो इस सिस्टम को समझने के लिए आप इस फिगर में देखो, मैंने पहले भी बताया था जब आप बीडीसी से टीडीसी की तरफ बढ़ोगे यानी कंप्रेशन हो रहा है, यानी इस तरीके से कंप्रेशन हो रहा है, और ये कंप्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा. जैसे ही एंड ऑफ कंप्रेशन होगा तो आपको मैक्सिमम प्रेशर होगा, फ्यूल वहीं पे बर्न होगा, और धीरे धीरे फिर आप आफ्टर बर्निंग की तरफ. ये कॉमन फेनोमेना है, लेकिन इस फिगर को फिर से ध्यान से देखो आप. यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हो मूवमेंट यानी कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन कहाँ पे एंड होगा, इस वाले लाइन पे यानी टीडीसी के लाइन पे एंड होना चाहिए. तो होगा कि जब आप यहाँ पे जब कंप्रेशन कर रहे हो तो आप देखो यहाँ पे पहुँचते हो, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन, इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि फ्यूल, इस वाले लाइन को देखिए, इसी पॉइंट पे आपको फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, यानी फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है. तो यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू हो रहा है, और फ्यूल का इंजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, टीडीसी से कुछ एंगल पहले, यानी करीब 18 डिग्री के आसपास, 18 डिग्री पहले जो है फ्यूल का इंजेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है. अब ये प्रेशर ऑलरेडी बढ़ रहा है, ये प्रेशर किसके आसपास पहुँच चुका है, 30-32 bar के आसपास पहुँच चुका है, आप देख सकते हो. अब इस प्रेशर के बाद क्या होगा, धीरे अब फिर वही फेनोमेना, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक इस पॉइंट को आप देख सकते हो जिसको स्टार्ट ऑफ कंबस्शन लिखा गया है, यहाँ तक जो है ये पूरा जो है ये पहला स्टेज है, जिसी को हम इग्निशन डिले बोलते हैं, ये इसी को प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं. और इसके बाद आप देखोगे यहाँ से कंबस्शन स्टार्ट होता है, और ये फिर आगे बढ़ता है सेकेंड पॉइंट तक, यानी करीब करीब आपका जो है सेकेंड स्टेज तक जाते हो आप, ये वाले पॉइंट तक जाते हो, यहाँ ऊपर तक. मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, ज़्यादा सही से आपको क्लियर होगा. ये आपका पहला स्टेज है जहाँ से इंजेक्शन स्टार्ट होता है, फिर आप यहाँ तक पहुँचते हो, सेकंड स्टेज हुआ. थर्ड स्टेज जो है आपको सेकंड स्टेज यहाँ तक, यानी पहला स्टेज ये, फिर सेकंड स्टेज ये, दो स्टेज तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं. फिर मैं और इसे क्लीन करता हूँ, तीसरा स्टेज जो है यहाँ से शुरू हो रहा है. तीसरा स्टेज देखो इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट तक जा रहा है, ये कौन सा है, ये आपका कंट्रोल्ड कंबशन कहलाता है. और इसके बाद से लेके तीसरे से लेके चौथे पॉइंट तक जब आप जाते हो यानी यहाँ तक, ये आपका है आफ्टर बर्निंग प्रोसेस. तो चार स्टेज को आपको यहाँ पे दिखाया गया है इस स्टेज में, इस कंबशन प्रोसेस में, और हमको यही चीज़ें समझनी है इस पूरे कंबशन फेनोमेना में स्पार्क इग्निशन के. सो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे. तो हमारा जो पहला स्टेज है यानी ये वाला, यहाँ जहाँ से कब से शुरू हो रहा है, जहाँ पे हम फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं, और इसके बाद फ्यूल क्या हो रहा है, जब फ्यूल इंजेक्ट होगा तो फ्यूल एटोमाइज होगा, वेपोराइज होगा, और फिर वो
कम्बशन के लिए स्टार्ट करेगा अपने आप को, इन मीन्स वो अपने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा। तो इसमें कुछ टाइम लगता है, तो यहाँ पे पहुंच के वो अपने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है, और यहाँ से आप देखोगे कि ये बहुत तेज़ी से प्रेशराइज हो रहा है, यानी ये अनकंट्रोल्ड कम्बशन प्रोसेस को दिखा रहा है। और यहाँ के बाद से फिर आपका क्या सिस्टम होगा, फिर यहाँ से लेकर तीसरे स्टेज तक जो आप देख रहे हो ये कंट्रोल्ड कम्बशन है, और तीसरे के बाद से चौथे तक ये आफ्टर बर्निंग प्रोसेस है। तो इन 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 दो सिस्टम्स को हमें समझना है। अब पहले स्टेज को आप समझिए, यानी पहले स्टेज को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका है इग्निशन डिले पीरियड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज ड्यूरिंग विच सम फ्यूल हैज़ ऑलरेडी बीन ड्यूरिंग विच सम फ्यूल हैज़ ऑलरेडी बीन एडमिटेड बट हैज़ नॉट येट इग्नाइटेड। दिस पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ इंजक्शन टू द पॉइंट वेयर मोटरिंग कर्व सेपरेट्स, या यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर स्टार्ट ऑफ कम्बशन विल बी स्टार्टेड। यानी ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पीरियड है ये आपका क्या है, ये आपका जो है इग्निशन डिले पीरियड है। ये वाला यहाँ से देखिए आप मोटरिंग कर्व आपका स्टार्ट हो जाए। मोटरिंग कर्व वो होता है यानी नॉन फायरिंग स्टेज, यानी जब आपके दोनों वाल्व बंद हैं और कोई इंजेक्शन नहीं हो रहा है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो मोटरिंग कर्व कहलाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखनी है। आप देखिए फिर ये वाला स्टेज जो हो गया ये हमारा जो है इग्निशन डिले है। इग्निशन डिले में क्या हो रहा है, स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन से लेके स्टार्ट ऑफ कम्बशन तक, इसके बीच के प्रोसेस को हम इग्निशन डिले कहते हैं। इन सीआई इंजन आई थिंक इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अब डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड सारे स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, और इन स्टेजेस का क्या पर किन फैक्टर्स का इफेक्ट होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फॉर द टुडे फॉर टुडेज लेक्चर दैट इज़ इनफ नाउ।